हाय दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार झा और आप देख रहे हैं विपिन झा मिथिला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि ये सामने जो मोटरसाइकिल है वो कैसे रोड पे गाड़ी चला रहा है, उसी के ऊपर ये वीडियो है। और आप देखें, अगर इस तरह आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो इस तरह का गाड़ी बिल्कुल ही मत चलाएं। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, जिससे क्या होगा, मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा अब तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। तो आप देखते हैं इस वीडियो में, ये बंदा जो है ये ओवरटेक लाइन है, जो कि ज़्यादातर बड़ी गाड़ी या जो स्पीड में गाड़ी होती उन गाड़ियों के लिए लाइन होता है। यहाँ पे मोटरसाइकिल वालों के लिए आना मना होता है, लेकिन ये बंदा उसी लाइन में गाड़ी चला रहा है, आप देख रहे होंगे। और ये कैसा डेंजर से चलाता है वो भी देखो, आपको इस वीडियो में सब दिखेगा। देखो, लेफ्ट साइड पूरा रोड खाली है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में गाड़ी ना चलाकर ये राइट साइड में गाड़ी चला रहा है। कभी बीच में आ रहा है, कभी लेफ्ट साइड में जा रहा है। अभी देखो, इसका पूरा लेफ्ट साइड खाली है, फिर ये ओवरटेक करके राइट साइड में आएगा। आप देख रहे हो ये, अब ये बंदा ओवरटेक करके फिर राइट साइड में आ रहा है। तो इसको राइट साइड में आने की क्या ज़रूरत है, आप खुद ही देख लो। और ये राइट साइड में आके गाड़ी स्लो कर रहा है, अगर ब्रेक ना लगे तो गाड़ी बंदे को ठोक सकता है। तो ये इस तरह की गाड़ी आप मोटरसाइकिल में बिल्कुल ही ना चलाएं मोटरसाइकिल से, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा होता है, बाद में गलती ट्रक या बस वाले को मिलता है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है दोस्तों, कि अगर आपका लेफ़्ट साइड है, छोटी गाड़ी हमेशा लेफ़्ट साइड में, या क्योंकि छोटी गाड़ी का मतलब है मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ये स्लो स्पीड में जो कम स्पीड में चलती है उनके लिए लेफ़्ट साइड है, जो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलती है उनके लिए राइट साइड लाइन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, अगर इस तरह से गाड़ी आप चला रहे हो तो बिल्कुल ही मत चलाएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।